नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश दुदानी एडवोकेट आज आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं एग्रीमेंट टू सेल और सेल डीड में क्या डिफरेंसेस है। दोस्तों, कई बार वैसा देखा जाता है कि इमूवेबल प्रॉपर्टी के लेन देन में लोग एग्रीमेंट टू सेल को ही सब कुछ मानकर बैठ जाते हैं और बाद में उन्हें पता चलता है कि प्रॉपर्टी उनके हाथ से निकल गई। दोस्तों, मैं आपको समझाना चाहूँगा और बताना भी चाहूँगा कि एग्रीमेंट टू सेल है वो किसी भी प्रॉपर्टी के लेन देन से पहले किया गया एक टर्म्स एंड कंडीशन का डॉक्यूमेंट मात्र है। यानी उससे आपके लीगल राइट क्रिएट जरूर हो जाते हैं, लेकिन आपके नाम उससे प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र नहीं होती। जो टर्म्स एंड कंडीशन लिखी जाती है वो एग्रीमेंट टू सेल में लिखी जाती है, और एग्रीमेंट टू सेल जो है हमेशा प्रॉपर्टी की जो रजिस्ट्रेशन है उससे पहले बनाया जाता है। एग्रीमेंट टू सेल के तहत में कुछ चीज़ें हैं जो लिखी जाती है, जिसके बारे में आपको मैं बताना चाहूँगा। एग्रीमेंट टू सेल में सबसे पहले जो है जिस डेट को एग्रीमेंट बन रहा है वो डेट आएगी, उसके बाद में दोस्तों जो व्यक्ति ये बना रहे हैं दोनों पक्षों के नाम, एड्रेस, एज, फादर्स नेम, यानी सारी उनकी पार्टिकुलर्स, उसके बाद में दोस्तों जो प्रॉपर्टी है उसकी पूरी डिस्क्रिप्शन आएगी, कितने गज की प्रॉपर्टी है, कहां पर स्थित है, कितनी बनी हुई है, और उसके लेफ्ट राइट कौन कौन सी प्रॉपर्टियां हैं, कितनी वाइड रोड है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ में क्या क्या प्रॉपर्टियां हैं, यानी प्रॉपर्टी की सारी डिस्क्रिप्शन आएगी। उसके बाद में दोस्तों उस एग्रीमेंट में कंसिडरेशन वैल्यू लिखी जाती है कि कितने रुपए में ये सेल डील तय हुई है। उसके बाद दोस्तों आता है, उसके बाद में आएगा अर्नेस्ट मनी, यानी एडवांस उस डील के तहत कितना लिया जा रहा है, और उस एडवांस का भी दोस्तों एक क्लॉज आता है कि मान लीजिए कोई भी प्रॉपर्टी के दौरान में कोई भी व्यक्ति जो है दोनों पक्षों में बैकआउट करता है तो उस जो अर्नेस्ट मनी है उसका क्या होगा। उसके बाद में दोस्तों आता है पेनल्टी क्लॉज। पेनल्टी क्लॉज का मतलब ये हो गया कि मान लीजिए अगर उस डील में जो टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी गई है वो अगर वायलेट होती है तो उसके ऊपर में क्या पेनल्टी है। टाइम का शेड्यूल भी आता है दोस्तों, इसमें पेमेंट कितने दिनों में देनी है, कब कब देनी, कैसे कैसे देनी, ये टाइम शेड्यूल भी उसमें आता है। इसके अलावा जो सेलर है वो एक इंडेमनिटी भी देता है कि ये जो प्रॉपर्टी होगी सारी तरह से फ्री फ्रॉम ऑल इनकम्बरेंसेज होगी, इसके ऊपर में किसी भी तरह की किसी का भी कोई लेन देन या नहीं होगा, चाहे वो सरकारी हो या फिर किसी प्राइवेट से हो। इसके अलावा बिजली पानी बिल के जो बिल्स वगैरह हैं वो उस डेट तक पूरे क्लियर होंगे। तो इस तरह से दोस्तों जो एग्रीमेंट टू सेल है वो सिर्फ और सिर्फ एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो बिक्री से किसी प्रॉपर्टी के पहले बनाया जाता है और उसमें सारी टर्म्स एंड कंडीशन तय की जाती है। अब आते हैं दोस्तों सेल डीड के ऊपर में। जो सेल डीड है वो एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो किसी भी प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र कराने से पहले वो एग्जीक्यूट किया जाता है, और वो जो डॉक्यूमेंट होता है सेल डीड, उसी सेल डीड के डॉक्यूमेंट के ऊपर में ही कोई भी प्रॉपर्टी जो है रजिस्ट्रार के यहाँ पे ट्रांसफ़र होती है, और उसके ऊपर में जो करंट वैल्यू होती है मार्केट की उस करंट वैल्यू के तहत में जो है स्टैम्प ड्यूटी पेड करनी पड़ती है। दोस्तों, जो सेल डीड होती है वो सेल डीड के अंदर भी कुछ कंडीशंस जो है, जैसे एड्रेस वगैरह हो गया, पार्टीज की डिस्क्रिप्शन हो गई, प्रॉपर्टी डिस्क्रिप्शन में वो सारी चीज़ें आती है। इसके अलावा कंसिडरेशन वैल्यू आएगी। कंसिडरेशन वैल्यू के अलावा दोस्तों उस जो सेल डीड है उसमें जो सेलर है वो इंडेमनिटी देगा भी किसी भी तरह की। इसके ऊपर में कोई भी दावा करेगा तो उसका मैं जिम्मेवार हूँगा। आज के तारीख में इसकी ओनरशिप ट्रांसफ़र जो परचेजर है या बायर है उसके ऊपर की जा रही है। उसके साथ में दोस्तों सेल डीड में बायर सेलर दोनों के साइन प्लस दो विटनेसेस के साइन होते हैं, और ये जो सेल डीड है दोस्तों ये रजिस्ट्रार जो कंसर्न्ड एरिया का जो रजिस्ट्रार है वहाँ पे ये जो सेल डीड है वो एग्जीक्यूट होती है, यानी कि वहाँ पे प्रॉपर स्टैम्प ड्यूटी के साथ में ये सेल डीड वहाँ पे रजिस्टर्ड होती है। और ये जो सेल डीड है वो जब रजिस्टर्ड हो जाती है उसके बाद ही दोस्तों जो है एज पर सेक्शन 54 ऑफ टीपी एक्ट जो है प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र मानी जाती है, यानी ओनरशिप ट्रांसफ़र मानी जाती है। जब तक ये सेल डीड को भी आप बना के घर पे रख लेंगे तो ये मान के चलिए कि प्रॉपर्टी आपके नाम ट्रांसफ़र नहीं हुई है। सेल डीड भी इसलिए बनाई जाती है कि सेल डीड के बाद में आप कंसर्न्ड एरिया के सब रजिस्ट्रार ऑफिस में जाके इस सेल डीड को ट्रांसफ़र करवाएं अपने नाम में, और जो भी स्टैम्प ड्यूटी वहाँ पर उस समय लागू है उतनी स्टैम्प ड्यूटी पेमेंट करें, और उस दौरान में जो है दोनों पक्षों के वहाँ मौजूद रहना, उनके साइन प्लस जो दो विटनेस है वो भी वहाँ पे मौजूद होते हैं, और उनके भी जो सेल डीड है उसमें साइन होते हैं, और पूरी की पूरी उसमें डिस्क्रिप्शन आती है कि आपने ये प्रॉपर्टी कितने में खरीदी है, कितने रुपए आपने इसके दिए हैं, और उसके अलावा जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस आपने इसके तहत तय की थी सारी आएगी, और वो सेल डीड जो है वहाँ पे रजिस्टर्ड होगी, तभी आप सेक्शन 54 टीपीए के तहत में ओनरशिप का ट्रांसफ़र मान सकते हैं। तो इस तरह से दोस्तों अगर आपने सेल डीड बना के भी घर पे रख ली है तो वो सेल डीड मान्य नहीं है। सेल डीड मान्य तभी होती है जब आप सब रजिस्ट्रार के ऑफिस में जाके वहाँ पे जो
ड्यूटी है वो स्टैम्प ड्यूटी पेड करेंगे, और पेड करने के बाद में वो अपने नाम ओनरशिप करवाएंगे, तब जो सेलर है वो अपनी ओनरशिप जो है बायर के नाम ट्रांसफर कर देता है। तो इस तरह से दोस्तों एग्रीमेंट टू सेल और सेल डीड का क्या डिफरेंस था ये मैंने आपको इस वीडियो में बताने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा कि एग्रीमेंट टू सेल सिर्फ प्रॉपर्टी बेचने से पहले का डॉक्यूमेंट है, सेल डीड प्रॉपर्टी बेचने के दौरान का डॉक्यूमेंट है जो कि सब रजिस्टर ऑफिस में रजिस्टर्ड होता है, उसके बाद प्रॉपर्टी का ट्रांसफर होता है। तो दोस्तों ये था आज का डिस्कशन, अगले वीडियो में फिर किसी नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। मेरा ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।